मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कविताज क्रिएटिविटी को और बेल आइकन दबाना भी ना भूले ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिज़्ज़ा तो सभी को पसंद होता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, सभी पिज़्ज़ा बहुत ही चाव से खाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर पे बिल्कुल बाज़ार जैसा रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा बना सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही चीज़ी पिज़्ज़ा बनेगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप घर पे वेज पिज़्ज़ा बना सकते हैं वेजिटेबल्स से। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पिज़्ज़ा पेस्ट लिया है जिसमें हमने फोक से जो है छेद कर लिए हैं और अब हम इस पर पिज़्ज़ा सॉस लगा रहे हैं। आप चाहें तो इस पर केचप भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस जो है मार्केट पर बहुत ईजिली और रीज़नेबल प्राइस पर अवेलेबल हो जाती है, और नहीं तो आप केचप लगा लीजिए। और उसके बाद हम इसमें चीज़ जो है हमने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ली है और इसको हम इसमें अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तो आप किसी ग्रेटर की हेल्प से इसे कद्दूकस कर लीजिए और फिर इसे स्प्रेड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने पैकेट वाली ली है जो ऑलरेडी छोटे छोटे ब्लॉक्स में आती है, तो ये मोज़रेला चीज़ है। और अब मैं इसमें वेजिटेबल्स जो है काट के लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है, ग्रीन कैप्सिकम, इसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं रेड शिमला मिर्च जो होती है उसको हम इसमें लगा रहे हैं। बेबी कॉर्न्स को मैं छोटा छोटा कट करके इस पर इस तरीके से सजा रही हूँ। और इसी के साथ मैं इसमें ऑलिव्स जो है जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी होते हैं, और इस तरीके से मैं इसे स्प्रेड कर दूंगी। तो लग रहा है ना बहुत ही ज़्यादा कलरफुल। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अब लास्ट में मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ अनियन। तो इस तरीके से मैंने बारीक बारीक प्याज को काट लिया है और इसे स्प्रिंकल करने के बाद मैं साइड से इसमें लगा रही हूँ मेयोनीज़। तो वेज मेयोनीज़ आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, वो इसमें हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और बाद में मैंने इस पर ऑर्गेनो हर्ब्स को स्प्रिंकल कर दिया है और अब ये जाएगा अवन में। तो 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम जो है 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। जब सारी चीज़ मेल्ट हो जाएगी तो 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए ये हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार है। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप कढ़ाई में भी इसे रख के बेक कर सकते हैं। तो ऊपर से ये जो है सब ब्राउन हो जाएगा, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो ये हमारा वेज पिज़्ज़ा बनके घर पे तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही यमी बना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कविताज क्रिएटिविटी को देखते रहिए।